अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा नर्सरी क्लास का लेक्चर नंबर 18 है। हमारा सब्जेक्ट है मैथ। हमारी बुक है मैथ रिटर्न, यानी मैथ की लिखने वाली बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट बैकवर्ड काउंटिंग 70 to 41। बैकवर्ड यानी पीछे को आपने काउंटिंग लिखनी है 70 से लेके 41 तक। जैसे कि 69 आएगा। ये देखें, ये 70 इन फिगर्स में आपने लिखनी है। 70 से स्टार्ट करनी है आपने, फिर 70 के पीछे कौन सा वर्ड था, 69। 69 के पीछे 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, और फिर आएगा 60 से पीछे कौन सा था, 50, 51। इसी तरह आपने यहाँ तक 41 तक काउंटिंग लिखनी है 70 से लेके 71 तक बैकवर्ड यानी पीछे को। नेक्स्ट है राइट बैकवर्ड काउंटिंग 40 to 41। 40 से लेके 41 तक बैकवर्ड लिखनी है। पहले 70 से लेके 41 तक था, अब 40 से लेके 1 तक। ये देखें, 40 के पीछे क्या है, 1। ये देखें 14 के पीछे कौन सा नंबर होगा बैकवर्ड, बैक 39, 38, 38 और 37, 36, 35, 34। इसी तरह आपने बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है 40 से लेके 41 तक। फिर 33, 32, 31 और फिर यहाँ 1 आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से काउंटिंग। अगर नेक्स्ट बुक है हमारी जनरल नॉलेज। आज हमारा क्वेश्चन है विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा इन कुरान। कुरान की सबसे छोटी सूरा कौन सी है, सूरल कौसर, सूरतुल कौसर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरा कौन सी है, सूरह कौसर। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा इन कुरान, सूरल कौसर। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरा सूरल बकरा और सबसे छोटी सूरा सूरल कौसर। विच इज़ द शॉर्टेस्ट सूरा इन कुरान, सूरल कौसर। विच इज़ द शॉर्टेस्ट छोटी सूरा इन कुरान, सूरल कौसर। शॉर्टेस्ट छोटी।